दोस्तों, दुनिया का 98% पानी समुद्र में है और सिर्फ 2% पानी ही यूजेबल है, जिसमें से 1.6% आइस की फॉर्म में है और बाकी बचा हुआ 0.4 रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है। उसी का यूज़ हम ड्रिंकिंग, क्लीनिंग और एग्रीकल्चर के लिए करते हैं। जैसे जैसे ग्राउंड वाटर लेवल गिरता जा रहा है, उसके बाद डिसैलिनेशन प्लांट यानी खारे पानी से पीने लायक मीठा पानी बनाना हमारी नेसेसिटी बन चुका है। कई देशों में ऐसा ऑलरेडी बड़े स्केल पे पहले से हो रहा है, जैसे इसराइल, चाइना, साउथ कोरिया एटसेट्रा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे समुद्र के खारे पानी से पीने लायक मीठा पानी बनता है, इसका प्रोसेस क्या है और इसके क्या फायदे और नुकसान है। बेसिकली सलाइन का मतलब होता है नमकीन एंड डिसैलिनेशन मतलब पानी में से नमक को हटाना। अब डिसैलिनेशन के लिए बहुत सारे साइंटिफिक तरीके हैं, बट समुद्र के पानी के डिसैलिनेशन के लिए वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो है आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। जनरली हम आरओ से समझते हैं ये हमारे घरों में लगे वाटर प्योरीफायर्स, इनमें भी सेम टेक्निक आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस ही यूज होती है। तो अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड की। इस मेथड को समझने के लिए हम पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं, जैसे TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। पानी का TDS होता है कि पानी में कितने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं सॉलिड की फॉर्म में। इसको मेजर किया जाता है PPM, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1,000,000 वाटर मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट कितने डिसॉल्व सॉलिड हैं। जैसे हम जानते हैं, हम जो घरों में पानी पीते हैं वो काफी लो TDS का होता है, विच इज लेस देन 500, और समुद्र के पानी का TDS 35,000 तक होता है, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में सॉल्ट मिला होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस बेहतर समझने के लिए हम समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम यहाँ दो कंटेनर ले लेते हैं, इन दोनों को हम एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से कनेक्ट कर देते हैं। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिससे सिर्फ लिक्विड यानी H2O मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं, डिसॉल्व सॉलिड नहीं। अब इस एक कंटेनर में हम भर देते हैं मीठा पानी यानी लो TDS पानी, और दूसरे कंटेनर में हम भर देते हैं खारा पानी यानी हाई TDS पानी। अब अगर इनको एज इट इज छोड़ दें तो एयर मॉलिक्यूल से दोनों कंटेनर के वाटर लेवल के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई होगा, और प्रेशर अप्लाई होगा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ज्यादा, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये सॉल्यूशन पास कर जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी खारे पानी का लेवल और बढ़ जाएगा और उसका खारापन थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जो हमारा पीने लायक पानी है उसका TDS बढ़ जाएगा। अब इस प्रोसेस से तो हमारा मीठा पानी उल्टा खराब ही हो गया। मीठे पानी का लेवल बढ़ाने के लिए हमें इस तरह से आउटसाइड प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तब इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। ये तो थी टेक्निक जो हमारे घरों के आरओ में और डिसैलिनेशन के प्लांट में यूज होती है। अब बात करते हैं एक डिसैलिनेशन प्लांट में किस तरीके से इस टेक्निक का यूज करके खारे पानी से मीठा पानी बनाया जाता है। जैसा कि ऑब्वियस है, इसमें समुद्र के पानी की जरूरत है, तो ऐसे प्लांट्स को सिर्फ समुद्र किनारे ही लगाया जा सकता है। सबसे पहले समुद्र से पाइप के थ्रू पानी ले लिया जाता है, फिर उसको अलग अलग मेथड से विजुअल इम्पेरिटीज को साफ कर लिया जाता है यानी छान लिया जाता है, लेकिन अभी भी इस पानी का TDS 30,000 से ऊपर होता है। फिर इस पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड से डिसैलिनेट कर दिया जाता है, जिसमें इन डिसैलिनेशन प्लांट की एफिशिएंसी 40% तक होती है, यानी 40% पानी हमें लो TDS का मिल जाता है और बाकी बचा 60% पानी रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी ये पानी पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि इसमें जरूरी मिनरल्स मिसिंग होते हैं, तो इन चीजों को बाद में एल्कलाइन मेम्ब्रेन के थ्रू मिला लिया जाता है, जिससे उसमें जरूरी मिनरल्स ऐड हो जाते हैं और पानी पीने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो ये होता है बेसिकली समुंदर के खारे पानी को मीठा बनाने का प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं इस प्रोसेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस की बात करें तो इन प्लांट्स की वाटर प्योरीफाई करने की कैपेबिलिटी 100 मिलियन लीटर से भी ज्यादा होती है। इस मेथड में हमारे पास जो रिसोर्स है वो अनलिमिटेड सा है, क्योंकि हम जानते हैं 98% पानी ओशियन वाटर है। इस टेक्निक पे आउटसाइड फैक्टर्स से जैसे रेन्स, बैड वेदर, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये मेथड बहुत ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है और काफी डेवलप्ड कंट्रीज इसको कई सालों से यूज कर रही है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहली डिसएडवांटेज है वेरी हाई कॉस्ट। इस मेथड में प्रेशर अप्लाई करने के लिए जिन मशीन का यूज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती हैं, और जिन मेम्ब्रेन्स का यूज किया जाता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती हैं। सेकंड पॉइंट दोस्तों, इस मेथड में जो 60% पानी रिजेक्ट हो जाता है उसका TDS समुद्र के पानी से बहुत ज्यादा हाई होता है, 50,000 प्लस। तो इस पानी को जब वापस समुद्र में डाला जाता है तो उस एरिया का नमक का लेवल एकदम से बढ़ने के कारण नेचुरल हैबिटेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और वहां का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इस प्रोसेस के दौरान बहुत से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप मुझे बताइए कि फ्यूचर में पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है।
मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।